हाँ हाँ मैं जानती हूँ कि अभी इस बच्चे की सच्चाई नहीं जानता, पर तुम जानते हो ना कि अभी मुझसे प्यार करता है, हम दोनों शादी कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि बच्चा अभी का या तुम्हारा। प्रज्ञा उठो, प्रज्ञा उठो। इसे क्या हो गया, ये बेहोश कैसे हो गई, चक्कर आ गई या किसी चीज से टकरा गई, चोट तो नहीं लगी इसे? फिर तनु, ओह माय गॉड, अभी यही आ रहा है। तनु अब क्या करूं, अभी ने प्रज्ञा को इस हालत में देख लिया तो कहीं से लेके इमोशनल ना हो जाए और फिर इसकी परवाह करने लगेगा, दोबारा इसके करीब आ जाएगा। इतनी मुश्किल से शादी के लिए मनाया है, कहीं मेरी सारी मेहनत खराब ना हो जाए। क्या करूं? हाँ, इसे कहीं छुपा देती हूँ, ना अभी इसे देखेगा ना इमोशनल होगा। वो सब होता है, बट अब मैं ठीक हूँ, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। क्या दिखाने जा रहे थे तुम? तुम्हें एक कार्ड दिखाना था, देख लो इसमें कोई कमी तो नहीं है ना? अभी कार्ड कैसा भी हो कोई मैटर नहीं करता, इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। मैं नहीं जानती तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हारी अच्छाई के बदले में मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर सकती, क्योंकि अभी वो अब तक तुम्हारे लिए फील करता है। मैं जानती हूँ कि उसकी मेरे साथ शादी भी हो जाए तब भी वो मुझे अपने करीब नहीं आने देगा। मैं नहीं चाहती कि तुमसे या किसी और से कोई गलती हो जाए और अभी तुम्हारे करीब आ जाए, इसलिए मैं तुम्हें इस घर में तो क्या इस घर के आसपास भी आने नहीं दूंगी। आई एम सॉरी। हेलो, आई कांट बिलीव कि तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो, प्यार का झूठा नाटक करके बेवकूफ बना रही हो मुझे। अब तनु तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारा सच अभी को बताने जा रहा हूं कि जिस बच्चे को तुम उसका बच्चा बता रही हो वो असल में मेरा है। तुम प्लीज ऐसा कुछ मत करना। अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो अभी इसी वक्त यहाँ मुझसे मिलने आओ, अभी अगर कुछ नहीं कह पाई तो कभी नहीं कह पाओगी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तू तो मुसीबत से जा, मैं क्या करूँ, अगर इस बार उससे नहीं मिलेगी तो पक्का वो अभी को सच बता देगा, जाना होगा। पर इस मुसीबत का पहले कुछ करना होगा। हाँ, आपने दी को कहीं देखा? अपने कमरे में होगी। नहीं माँ, वो अपने कमरे में नहीं, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। मैंने तो नहीं देखा। गॉड, माँ अगर दी को वो पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक काम कर, उसे फोन लगा के दे। हाँ। माँ फोन नहीं उठा रही थी, फोन की आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज तो यहां से आ रही है। ये पर्स तो प्रज्ञा दी का बैग है और उनका फोन दी का है। दी, प्रज्ञा दी, प्रज्ञा दी। Thank you.
दी।